नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल में, जहां पे मैं अंतरा और आप हम लोग मिलकर डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से सभी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स को. नाउ एज यू नो दैट टुडे इज 4th of July, तो आज के दिन को दो स्पेशल आज के दिन का महत्व है. नंबर वन इज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पहले इमेज पे ध्यान दीजिए. कैन यू सी अ पर्सन जो एक वैक्यूम क्लीनर पकड़ के कुछ वैक्यूम क्लीनिंग जैसा कर रहे कारपेट के ऊपर, राइट? सो इफ यू कैन सी दैट ही इज डूइंग समथिंग लाइक वैक्यूम क्लीनिंग, सो द पर्सन इज हुबर्ट सेसिल बूथ एंड ही इज एन इंग्लिश इंजीनियर जो कि फेमस है फॉर द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट पावर्ड वैक्यूम क्लीनर. मतलब पावर के मदद से, इलेक्ट्रिसिटी के मदद से पहला वैक्यूम क्लीनर का इन्वेंशन किसने किया है? हबर्ट सेसिल बूथ ने किया है. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आप सभी के, सभी SSC एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन से एक क्वेश्चन आपका आने का संभावना रहता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट? चलो, सनी शर्मा एब्सोल्युटली करेक्ट. वैक्यूम क्लीनर दैट वाज इलेक्ट्रिफाइड, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला सबसे पहला, ठीक है? ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स लुक एट द इंपॉर्टेंट वोकैब्स. द फर्स्ट वन हियर इज बट्रेस. व्हाट दिस बट्रेस मीन्स? It means a structure of stone or brick built against a wall to strengthen or support it. आप इसका मतलब समझिए कि एक ऐसा wall जिसको किस लिए बनाया गया है, ताकि अपने आप को protect किया जा सके. आप एक wall को किस लिए बनाएंगे? आप एक structure को इसीलिए बनाएंगे ताकि उस structure के पीछे आप अपने आप को छुपा सके या फिर अपने आप को बचा सके, ताकि आप सेफ रह सके. सो सिमिलरली बट्रेस को यहाँ पे इंडिया और US के रिलेशनशिप में यूज़ किया गया है. बट लिटरली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अ स्टोन वॉल, ठीक है? लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, आयर. व्हाट दस आयर मीन्स? इट मीन्स सिंपली एंगर. सो यू कैन से दैट द आयर ऑफ द US प्रेसिडेंट, इसका मतलब US के प्रेसिडेंट का गुस्सा, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज बास्क. व्हाट दस बास्क मीन्स? इसी का जेनरेट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बास्किंग हो जाएगा. सो बास्क बेसिकली मीन्स लाई एक्सपोज्ड टू वर्म्थ एंड लाइट, टिपिकली फ्रॉम द सन फॉर रिलैक्सेशन एंड प्लेजर. नॉर्मली सूरज का जो धूप होता है उसके सामने अगर आप रेस्ट लेते हो तो उसका मतलब क्या हो जाता है? उसका मतलब हो जाता है बास्क या फिर बास्किंग. हालांकि इसको आप किस तरीके से आर्टिकल के अंदर यूज कर सकते हो, वी हैव हाईलाइटेड एंड अंडरलाइन द सेम वर्ड, सो वेट फॉर दैट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मेस. क्या मतलब? माई लाइफ इज सच अ मेस. इसका मतलब क्या है कि हमारा जिंदगी कितना उथल पुथल मचा हुआ है. सिमिलरली प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? आप यूज़ कर रहे हो किसी और सेंस में, बट लिटरल मीनिंग जो है अ डर्टी और अनटाइडी स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, योर रूम इज़ अ मेस. इसका मतलब आपका रूम बहुत गंदा है, बहुत ही डर्टी है, राइट? सो इफ़ दी वोकैब सेक्शन इज क्लियर, देन प्लीज़ राइट डाउन क्लियर है एंड लेट अस प्रोसीड टू दी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे. तो आगे बढ़ते और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. So, coming to the next slide, we first go through the overview. तो सबसे पहला अगर हम highlight कर सकें, तो जो सबसे पहला editorial आया है यहाँ पे, a good beginning. This editorial is about the Kaveri water dispute. बिल्कुल सही. तो जो सबसे पहला हम लोग newspaper में या तो एक बार highlight कर देते हैं. So, the first editorial is about a good beginning, that is about the Kaveri Authority. एक बार सब heading को पढ़ लीजिए. With the Kaveri Authority in place, it is time for the basin states to end all litigation. तो इतने सालों से जो आप एक दूसरे के साथ हाना कर रहे हैं, after 16 years approximately now, it is finally the time that let's sort it out. इसको sort out करते हैं. And what should we do? अभी जो first time के लिए आपका first meeting हुआ है Kaveri Water Management Authority का, so let us abide by the rules and regulations of the same. On the other hand, however, Karnataka plan कर रहा है, Karnataka is planning to challenge the same in the Supreme Court. But अगर आप फिर से Supreme Court पहुँच जाओगे तो वापस से ये जो आपका cycle है, एक दूसरे से हाना करना, ट्रिब्यूनल का बात फॉलो नहीं करना एंड गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, द सेम थिंग मे कीप ऑन फॉलोइंग, राइट? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन हियर. दिस आर्टिकल इज अबाउट द बाइलेटरल लिमिट्स ऑफ हाइप. इसमें बात किया जा रहा है अबाउट द इंडिया US टाइस. अभी इंडिया और US के बीच में एक 2+2
डायलॉग होने वाला था जिसमें हमारे यहाँ के और उनके वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स मिलके इस मीटिंग को करने वाले थे। बट यू सी यू एस डिड नॉट गिव इनफ इम्पोर्टेंस मे बी, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। बट आफ्टर पोस्टपोनिंग दिस वन नाउ दे आर गोइंग फॉर द मीटिंग विथ व्लादिमीर पुतिन जी। जल्दी से बताइए व्लादिमीर पुतिन कहाँ के प्रेसिडेंट है। सो दिस इज अबाउट द सेम, क्या इम्पैक्ट है ऐसे टाइस का एंड वॉट इज़ द वॉर अगेंस्ट लीगेसी। अब लीगेसी मतलब क्या, जैसे कि गिव मी डाउन हो गया। सो वॉट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन नरेंद्र मोदी जी एंड योर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी, बोथ थिंग्स हैज बीन डिस्कस्ड हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज द जलालाबाद गौटेट, इफ यू कैन सी दिस। तो सो दिस इज़ दी जलालाबाद गॉन्टलेट एंड यहाँ पे बात किया गया है जो इस्लामिक स्टेट का ग्रोइंग प्रेशर है अफगानिस्तान के ऊपर। सी अफगानिस्तान एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू द इशू ऑफ अफगानिस्तान वर्सेस तालिबान एंड दे वॉन्ट टू डू योर पीस टॉक्स। बट हमने जैसे पहले भी जब सीज फायर हुआ था एक महीने के लिए, दैट टाइम ऑल्सो वी हैड डिस्कस वॉट इज़ द मेन इशू। तालिबान वहाँ के हिल रीजन्स में डोमिनेंट है and Afghanistan government is having some sort of a hold in the city regions, right? But the problem is Taliban jo hill region mein dominate hai wo keh rahe hai we are ready for the talks with Afghanistan provided hum dono ke beech ka discussion hai, hamare beech mein rehne dijiye, aap yahan pe third party US ke forces ko yahan se nikal dijiye. But US forces is there since a long time. डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था दैट वी विल ब्रिंग देम बैक, बट वो अभी तक नहीं आया है। तो इसके पीछे के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है इस पूरे एडिटोरियल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द US फोर्सेस। तो यहाँ पे अभी ट्राइंगल बन चुका है US, तालिबान और अफगानिस्तान। दो US इज ऑन द साइड ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को वो हेल्प कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पे एक ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ बन गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ में एक बार फोकस करेंगे। यहाँ बात किया जा रहा है, ओके सो यहाँ बात किया जा रहा है, द IS सेट अप इट्स अफगानिस्तान एफिलिएट एज साउथ एशिया आउटपोस्ट व्हेन इट्स सो कॉल्ड कैलिपेट इन इराक एंड सीरिया केम अंडर स्ट्रेन। तो जिस तरीके से इराक और सीरिया का कंडीशन आज के डेट में है, कहीं अफगानिस्तान जो फिलहाल रिलेटिवली फार मोर बेटर स्टेट पे है, उसका हालत भी सेम इराक और सीरिया के जैसा नहीं हो जाए, राइट? सो वी हैव लर्न दैट डूइंग द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ एंड फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ वी कैन ब्रिंग अ लॉट अबाउट द आर्टिकल। अब आते हैं उसके बगल वाले आर्टिकल में, दिस इज अ फेंट रिजोनेंस। दिस इज टॉकिंग अबाउट इवन एज स्कॉलरशिप्स ऑन कबीर ग्रो द लैक ऑफ एम्बिशन इज मार्किंग अ की एनिवर्सरी इज पजलिंग। तो यहाँ पे जो 500th डेथ एनिवर्सरी है वहाँ पे इतना साइलेंस क्यों था, इसके बारे में बात किया गया है, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट इट इन ब्रीफ। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे द फर्स्ट आर्टिकल हियर इज अबाउट, आप देख रहे एक इंसान ऐसे करके जो जिनका फोटो आया है। सो दिस पार्ट इज अबाउट अ प्री इलेक्शन महागठबंधन अगेंस्ट द BJP। सो इफ वी कम टू द न्यूज़पेपर, यहाँ पे एक आपका बेसिकली दिस इज एन इंटरव्यू वेयर ही इज सेइंग दैट अभी जो है फिलहाल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट is getting a lot many power and this is similar to the emergency time of 1975. So what happened in the emergency times of 1975, ho sakta hai kahi ek similar cheez dobara Narendra Modi ji ke government mein na dekhne mile, because power yahan pe accumulate ho raha hai and we know that power corrupts and your absolute power may corrupt absolutely. To ye baat yahan pe kiya gaya hai. The next thing here is about the rest is more of a political debate, so let us not go into it. Uske niche next article pe aayenge, in an alien academic terrain, this is talking about cultural shock at Australian university. The Australian university ke andar jo aapka situation hai uske bare mein baat kiya ja raha hai ki wahan pe bacche padhte hai kya karte hai, slangs bolte hai, selfie post karte hai. So this is about the same thing. Coming to the next one here, a question for Anand. This is talking about 2014 mein, it was April 2014 and chess euphoria has gripped
द स्पोर्टिंग सर्कल एज इट हैज़ नाउ फॉलोइंग. आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये पर्सन का नाम याद रखना है कि 5 टाइम के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप कौन बने हैं. Who has become the world champion for 5 times. You have to say the name. कि इस स्पोर्ट में जो आपका चेस का गेम होता है वहाँ पे 5 बार के लिए वर्ल्ड चैम्पियन कौन बना है. You have to say that, right? So now let us proceed to the details of the article. और अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, द बाइलेटरल. बाइलेटरल मतलब दो के बीच में. द बाइलेटरल लिमिट्स ऑफ हाइप मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप करना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ावा देना. सो दैट इज़ वॉट यू कॉल इज हाइप. सो द बाइलेटरल लिमिट्स ऑफ हाइप, इसका मतलब इंडिया यूएस का बायलेटरल जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, उसका क्या लिमिटेशंस यहाँ पे आ गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? सो टेकिंग एन ओवरव्यू अबाउट द सेम, अगर हम ब्रीफली इसको डिस्कस करें, सबसे पहले बात ये किया गया है दैट द कॉमन ट्रेट्स बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे शेयर ट्रेट क्या क्या है, बोथ द US President and the India का Prime Minister, both of them want to get back the national glory. वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आगे रखना चाहते हैं. दोनों के अंदर देशभक्ति का भावना जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है. And both of them want to achieve new heights regarding your strategic goal. और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि दोनों को अपने प्रीडेसेसर से, मतलब उनसे पहले जो था, मान लीजिए इंडिया के एग्जांपल में नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट से पहले कौन था, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, सो दैट थिंग. एंड इन केस ऑफ यूएस, ट्रंप से पहले कौन थे, बराक ओबामा जी थे. सो दोनों को ही अपने पूर्वजों से, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल सिनेरियो, एक मेस मिला है, एक बहुत ही ज़्यादा एक हैपहैजर्ड सिचुएशन, अनटाइडी सिचुएशन, बिखरा हुआ सिचुएशन मिला है, राइट? सो लेट अस लुक एट द थिएटर ऑफ स्ट्रेटेजी. अब देखिए थिएटर वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या हो गया, इट विल मीन योर मूवी. बट हियर गुलुलोथु साईराम, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज हाइप, राइट? मतलब किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना. सो कमिंग टू दिस थिएटर एज स्ट्रैटेजी, इसका क्या मतलब हुआ? वैसे थिएटर का मतलब होता है मूवी, राइट? बट यहाँ पे मतलब चलचित्र दिखा दिया है विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप जी का. वाई? बिकॉज इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन, जैसे एक मूवी में होता है ना अप्स एंड डाउन, सो उसी संदर्भ में इसे यूज़ किया गया है. देर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द स्ट्रैटेजी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. से फॉर एग्जाम्पल हगिंग, जो जब भी कोई इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है तो वहाँ पे इफ़ द बोथ द प्रेसिडेंट्स और द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर जस्ट शेकिंग हैंड्स, मतलब ठीक है हम लोग ओके हाई हेलो वाली बात है. बट अगर एक दूसरे को हग कर रहे हैं, मतलब वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप्स, राइट? सो हगिंग डोनाल्ड ट्रंप, सो दिस मीन्स कि इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं. सो दीज आर दी जेस्चर्स जिसको पकड़ के न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में यू कैन फाइंड आउट वेयर इज़ द स्टेटस. नाउ It will be a very rare occasion for the Indian president or prime minister to go ahead and hug the, say for example, Pakistan president and prime minister. That will be a rare occasion, right? So, अगर ऐसा है, मतलब बहुत अच्छे relationship है. अब फिर से बात करते हैं ups and downs के बारे में. So, you see, क्या ups and downs है? Kim Jong-un, कहाँ के है, पहले आप ये बताइए, कौन से देश के president है? So, अगर आपने देखा होगा तो ऑलरेडी मिस्टर ट्रंप स्टिल बास्किंग, देखा, बास्किंग इन द डीन्यूक्लियराइजेशन डील, मतलब अभी भी अपने आप को बचा रहे हैं डीन्यूक्लियराइजेशन डील में जो उन्होंने किया था. क्या किया था उन्होंने? विदाउट गिविंग अ प्रॉपर रीजन ही हैड यू नो विदड्रॉन फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील. और अगर विदड्रॉ कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वापस से वो सैंक्शंस दोबारा से लगना स्टार्ट हो जाए ईरान के ऊपर. सो दैट इज़ योर वन थिंग ईरान के साथ जो किया. दूसरा आपका डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया को ये बोला भाई साहब आपके यहाँ जितने भी न्यूक्लियर सेटअप्स हैं यू शट डेम डाउन ऑल, एंड वंस वी आर श्योर दैट यू विल शट डेम डाउन हम क्या करेंगे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है. अगर आप पे कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है हम है ना, आप अपना सब शट डाउन कर दीजिए. एंड सेकेंड थिंग व्हाट वी विल डू इज़ वी विल ऑल्सो रिमूव ऑल दी सेंक्शंस जो हमने आपके ऊपर लगाए हैं. नॉर्थ कोरिया, वेरी गुड, सब लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है,
ओके. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी नाउ यू डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस और इतना सारा थिएटर आपने हमको दिखाया, बट नाउ यू आर शोइंग अस वन मोर थिंग दैट नाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड एंड मीट व्लादिमीर पुटिन जी फ्रॉम रशिया. रशियन प्रेसिडेंट्स के साथ बात करने का आपके पास वक्त है. सो दिस कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट में ये क्या दिखाता, ये दिखाता है कि दो आप हमारे डिफेंस में हम आपसे सबसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं, बट आप क्या कर रहे हो, यू आर शोइंग एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर रिलेशनशिप विथ चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान विथ रिस्पेक्ट टू आप वहाँ पे टेररिज्म को रोकने के केस में. अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो कहा है, आई ब्लेम आर पास लीडर्स फॉर अलाउिंग दिस टू हैपन. ट्रेड डेफिसिट का जो सिचुएशन यूएस में चला था उसके लिए उन्होंने किसे ब्लेम किया कि हम अपने पूर्वजों को ब्लेम कर देते हैं, राइट. उन्होंने अपना सब कुछ अपने पिछले गवर्नमेंट पे रोक थोप दिया है. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो वॉट हैपन्स, इट इज सेड दैट इफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट समटाइम्स फील सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी, दे ऑल्सो एक्यूज देयर पास्ट गवर्नमेंट. ऐसा ऑथर ने इस एडिटोरियल में कहा है. नाउ वन मोर थिंग हियर इज दैट ऑल दी प्रीवियस प्रेसिडेंट्स, बिल क्लिंटन का बात कर लीजिए, बुश का बात कर लीजिए, बराक ओबामा का बात कर लीजिए, इंडिया हैड अ रिमार्केबल ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू दोज ड्यूरेशन जब इनका गवर्नमेंट यहाँ पे चलता था. इंडिया के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बट नाउ यू सी वॉट इज हैपनिंग. यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जी ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया, अंदर के मार्केट का रिफॉर्म किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे यहाँ से कंपनीज निकाल निकाल के जाके यूएस में जा रही है. और बाहर भी जितने भी साउथ एशियन नेशंस में दीज कंपनीज वेर इन्वेस्टिंग, ऑल द कंपनीज यूएस बेस्ड जो साउथ एशियन नेशंस में या कहीं भी और इन्वेस्ट कर रहे थे, डेवलपिंग नेशंस में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था. बट अब यूएस के अंदर ये सिस्टम ऐसा कर दिया गया कि यही पे आओ, कहीं बाहर पैसा लेके जाने का जरूरत नहीं है, यही पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, राइट. सो दिस इज वॉट इज द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नोबडी वेक्स अप. एक स्टेटमेंट और ये भी कहा था फॉर्मर यूएस एम्बेसडर में कि कोई यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में, विच इज़ द कैपिटल नाउ, ये सोच के नहीं उठता है सुबह कि इंडिया में क्या हो रहा है. सो नोबडी वेक्स अप थिंकिंग अबाउट इंडिया. वॉट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टाइस दी बटरेस. बटरेस का मतलब क्या था, एक प्रोटेक्टिव आपका स्टोन का वॉल जो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है. द बटरेस वंस ओन क्लेम टू, अभी इस केस में क्या बताया गया है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं ताकि आप सस्टेनेबल स्ट्रेटजी लेके आ सके, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए. लेकिन अगर आप अपने पूर्वजों को इल्ज़ाम लगाओगे ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा. इंडिया चाइना यूएस के लिए दे आर ऑन दी सेम बास्केट, कि इंडिया जैसा चाइना, दोनों सेम सेम है, यूएस के लिए दोनों सेम सेम है. इंडिया एंड चाइना के केस में क्या है, अभी इंडिया एंड चाइना के केस में अगर ट्रेड डील्स का बात करें और क्लाइमेट का बात करें तो दोनों में ही यूएस प्रेसिडेंट ने इंडिया को ब्लेम कर दिया कि आपके वजह से जो है, आप जो है ट्रेड डील्स को वायलेट करते हो. यूएस ने हमें ये कहा है, सुनिएगा ध्यान से बात, यूएस ने हमें ये कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है. हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड पे बैरियर्स लगा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं एक्सपोर्ट को, यहाँ से बिजनेस को बाहर लेके जाने के लिए, और इम्पोर्ट को क्या कर रहे हैं, कम दाम में चीज़ें अंदर आने नहीं दे रहे हैं, इम्पोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं और एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज दे रहे हैं, ठीक है. ये उन्होंने हम पे कहा. अब थिंक अबाउट वन मोर थिंग, ट्रेड वॉर का गेम कौन खेल रहा है. ट्रेड वॉर का गेम तो आपका यूएसए खेल रहा है, राइट. बट इफ़ यू लुक इनटू सम ऑफ द कंपनीज इन यूएसए एंड सम ऑफ द नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं ना, तो वहाँ में जो आपका यूएस का आर्म्स इंडस्ट्री है, क्योंकि हम उनसे सबसे ज़्यादा डिफेंस का सामान खरीदते हैं, सो दे आर गुड विथ इट एंड पेंटागन इज ऑल्सो गुड विथ इट. द रेस्ट ऑफ द पीपल माइट बी फीलिंग बैड, राइट. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं. एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी दैट इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशन क्या है. अमेरिकन कंपनीज, दे स्टिल हैव आई ऑन द इंडियन मार्केट. वाई, क्योंकि यहाँ से उनको बेनिफिट हो सकता है. एंड बिकॉज ट्रम्प के लिए इंडिया और चाइना बराबर है, सो दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न वाई वी वेंट अहेड फॉर द वुहान समिट विद द चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, सो दैट इफ वी आर लाइक द सेम फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, एंड लेट्स मेक आर रिलेशनशिप्स बेटर एंड लेट्स बिकम वन ऑफ द पावर्स, राइट. एंड फाइनली यहाँ पे बात ये कहा गया है कि मे बी वी विल बी इन्वाइटिंग हिम एंड मे बी ही विल बी एक्सेप्टिंग आर इन्विटेशन ऑफ अटेंडिंग द 2019 रिपब्लिक डे, राइट. सो ओवरऑल इस आर्टिकल में ये बात किया गया है दैट द बाइलेटरल जो हम यहाँ पे बात करने वाले थे, जो यहाँ पे 2+2 समिट होने वाला था, दैट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड,
राइट. एंड ऑल्सो यूएस हैज ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, जो सब सेम सेम चीजें मिलेगा चाइना से भी इंडिया से भी. सो चाइना एंड इंडिया आर इन द सेम बास्केट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स. राइट नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट एडिटोरियल. बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, आज इस बार न्यूज़पेपर में हम फोकस करेंगे, आई हैव गॉट वन मोर पेज. एक बार हम न्यूज़पेपर में यहाँ पे फोकस करेंगे. आई हैव गॉट वन मोर पेज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड दिस पेज इज अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो एक बार इस पेज पे हम फोकस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे दिस इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप. फिर नेक्स्ट एडिटोरियल में हम चलेंगे. ओके सो यू सी हियर द डॉन ऑफ अ न्यू एरा. सो दिस दोनों यहाँ पे हैंडशेक कर रहे हैं, यू कैन सी दिस. वॉट आई वॉन्ट यू टू फोकस इज ऑन दिस पार्ट. यहाँ पे एक बार आ जाएंगे. यहाँ पे बहुत से फैक्ट्स डिस्कस किया गया है. दिस इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ऑफिशियल नेम क्या है यूएस का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कैपिटल क्या है? देखिए पहले कैपिटल न्यूयॉर्क हुआ करता था, अब जो है कैपिटल न्यूयॉर्क नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी. आई एम श्योर आप सभी लोगों को ये बात पता ही होगा. उसके बाद नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्टेट्स. आप लोग बता सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेट्स है? टोटल 50 स्टेट है. सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है उनके पास, दैट इज द न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी. फिर आपका जो अदर मेजर सिटीज है वो सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, बॉस्टन, हडसन. हमारे यहाँ भी है ना बॉस्टन, हडसन लेन है हमारे यहाँ पे दिल्ली में ही. फिर डल्लस, ऑस्टिन, फिलाडेल्फिया, सिएटल, लॉस एंजल्स, ये सभी जो है वहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज़ है. ठीक है, फिर देखिए लॉस वेगस, एलए, ये सब भी वहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज़ है. अब एथनिक ग्रुप वहाँ पे क्या है? बाय रेस 77.1% आर वाइट, 13.3% ब्लैक वहाँ पे है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे बेसिकली अमेरिका भी आप इसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को. नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश वहाँ पे है आपका नेशनल लैंग्वेज. और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो बोला जाता है वो स्पेनिश बोला जाता है. हावेवर एक ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे पूरी तरीके से, इट्स नॉट लाइक इंग्लिश इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस इज द नेशनल लैंग्वेज देयर. ठीक है, सो यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया. प्रेसिडेंट कौन है आप सभी लोगों को पता है, डोनाल्ड ट्रंप जी. वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस. और चीफ जस्टिस का नाम तो आपको ज़रूरत नहीं है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. टुडे इज 4th जुलाई एंड दिस इज ऑल्सो द नेशनल डे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज इशूड ऑन 4th जुलाई 1776. नाउ आई हैव वन सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, एक सिर्फ लौता क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है. जिस तरीके से हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे होता है 15th ऑफ अगस्त को, उसी तरीके से यूएस को कब वहाँ पे नेशनल डे सेलिब्रेट होता है, सिर्फ ये आपको बताना है. हमारे यहाँ पे जिस तरीके से जनगण मन है, वहाँ पे इसी तरीके से द स्टार स्पेंगल्ड बैनर बोल के आपका एंथम वहाँ पे है. ठीक है, अब चलिए हम वापस आते हैं. इसके अलावा उनका आपका एक स्लोगन भी है जिसको वो कहते हैं कि इन गॉड वी ट्रस्ट. दिस इज द मोटो, इन गॉड वी ट्रस्ट, राइट. सो अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट द सेम, जस्ट नो वन थिंग दैट 4th जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन आपका निकला था. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अमेरिका. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एडिटोरियल. अ गुड बिगिनिंग, दिस वन इज अबाउट द कावेरी अथॉरिटी. तो चलते हैं सीधे इमेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. एंड यू कैन सी दैट एंड ऑफ अ सेंचुरी. क्या हुआ यहाँ पे अगर हम हाईलाइट कर सके? सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए कंप्यूटर जी कि कावेरी का ओरिजिन क्या है, कावेरी कहाँ से स्टार्ट हुआ है. सो यू कैन सी इट स्टार्टेड फ्रॉम दी ताला कावेरी ऑफ कर्नाटका. सेकेंड थर्ड लाइन जो आपको ऊपर से दिख रहा है, ताला कावेरी से ये शुरू हुआ है. क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कोडगु डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है. सो यू हैव टू नो कोडगु डिस्ट्रिक्ट ही क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से कावेरी स्टार्ट होता है. ओके, सो कोडगु डिस्ट्रिक्ट इन कावेरी, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है. एंड ट्राबेली जो ट्रिब्यूनल है, दिस कावेरी ट्रिब्यूनल फाइनली यहाँ पे बन चुका है और फर्स्ट मीटिंग भी इसका अभी हुआ है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. पूरा कोर्स आप इस स्लाइड में देख पा रहे थे. ओके, सो नाउ एज यू कैन सी दैट टोटली किस तरीके से फ्लो होता है, आप रिवर को देखिए. सबसे पहले ये आपका कर्नाटका से निकल के फिर तमिलनाडु, फिर केरला, फिर आगे इस तरीके से ये नदी आपका बढ़ता है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं.
एंड इन दिस स्लाइड यू कैन सी व्हाट आर दी डैम्स. बहुत ही छोटे छोटे डैम्स है, अगर आप इसको जूम इन करके अगर आप इसको देख पा रहे हो गाइस, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. अगर आप इसे देख पाएंगे तो यहाँ पे आप डैम अगर हम हाईलाइट कर सके, एज यू कैन सी सबसे पहले ताला कावेरी सोर्स से नदी निकला है ना, ताला कावेरी सोर्स से नदी निकला. उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डैम कौन सा बना है, हारंगी डैम. कैन यू सी द हारंगी डैम, उसके जस्ट नीचे राइट हैंड साइड में हारंगी डैम यहाँ पे बना. उसके बाद आप देखिए उसके नीचे आ जाइए KRS डैम. KRS डैम क्यों, वाई इट इज़ फेमस, बिकॉज यहाँ पे इल्लीगल माइनिंग होता है. बिकॉज ऑफ इल्लीगल माइनिंग यू कैन गेट अ क्वेश्चन कि KRS डैम कहाँ पे है. उसके नीचे आप आ जाइए श्रीरंगपटना. श्रीरंगपटना में क्या होता है, इन दिस लोकेशन यहाँ पे क्या होता है, एक रिचुअल है कि जो पुराने कपड़े हैं उनको नदी में बहा दो. हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स है राइट, सो वन ऑफ द रिचुअल इज पुराने कपड़ों को नदी में बहा देना, भी एक आपका रिचुअल है. मे बी कि चलो धूल डाल के लोअर पार्ट में किसी के पास चला जाएगा, ये रीज़न हो सकता है, बट वॉट एवर इज द रीज़न दैट हैपन्स. ओके, सो इस वजह से ये पार्ट आपका पोल्यूटेड है. उसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट इज दी कनकपुरा रीजन, और वहाँ पे क्या होता है, सीवेज को अनट्रीटेड वहाँ पे सीधे डिस्चार्ज कर दिया जाता है. मतलब आप ये सोचिए कि लोग पानी कैसे पियेंगे अगर वहाँ पे अनट्रीटेड डिस्चार्ज होता है. फिर नदी आ रहा है तमिलनाडु के पास, उसके बाद नदी एंटर किया है तमिलनाडु. सो यू थिंक कि अपर कोर्स में इतना सारा पोल्यूशन होने के बाद जर्नी इसने तमिलनाडु के अंदर किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब आप खुद ही बताइए कि लोगों को आपस में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा. नाउ दिस इज जस्ट द डायरेक्ट कोर्स. आप आसपास भी देखिए, कहीं कॉफ़ी प्लांटेशन हो रहा है, कभी किसी ट्रिब्यूटरी को पहुँचने से पहले वहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट जो है हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स दिस रिवर हैज़ ऑलरेडी बीन इन प्रॉब्लम. ऑल्सो इन सम ऑफ द रीजन्स द रिवर इज ड्राइंग अप, एंड वेन द रिवर इज ड्राइंग अप तब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है. अभी तो हर जगह पानी पानी है सो नो इशूज, बट वेन द रिवर इज ड्राइंग अप देन इज वॉट द इशू हैपन्स. तो नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट मीटिंग एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स सी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी. What is the full form of CWMA? The full form is Kaveri Water Management Authority. And they have held their first meeting. और इस फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ, कौन कौन ने इसको किसने इसको फॉर्म किया है, फॉर्म्ड बाय द सेंटर. सेंटर ने इसे फॉर्म किया है. क्यों फॉर्म किया है, टू एंड अप द डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु. किस इशू को लेके, कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेके. ठीक है, इट आस कर्नाटका, क्या बोला इसने, कर्नाटका को बोला कि 31.24,000 मिलियन क्यूबिक फीट, दिस इज द यूनिट 31.24 TMCFT का फुल फॉर्म क्या है, साइंस में 1,000 मिलियन क्यूबिक फीट. आप इतना पानी जो है रिलीज कीजिए जुलाई के महीने में. ठीक है, व्हाट इज कर्नाटका सेइंग, वी विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. Now, if you will move to the Supreme Court, then this cycle, which is already continuing, ये फिर से continue होता रहेगा. But यहाँ पे अगर हमने एक ट्रिब्यूनल बनाया है, देखिए कुछ तो रही होगी उनकी भी मजबूरी, but still, अगर यहाँ पे ट्रिब्यूनल का बात मान लिया जाए, then the problem is solved. आप इतना पानी रिलीज कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, दोबारा उनको भी प्रॉब्लम होगा, अगेन द सेम डिस्प्यूट विल फर्दर कंटिन्यू. राइट, सो वॉट डू वी नीड, वॉट इज द नीड ऑफ द आवर, कि आप डेटा गैदर कीजिए रेनफॉल पैटर्न के ऊपर, कि जुलाई में कितना पानी रहेगा, दिसंबर में कितना पानी रहेगा. चेन्नई के अंदर दिसंबर के महीने में विंटर्स में आपको पता है कि रेनफॉल आता है, बाढ़ भी हो जाता है, दैट टाइम विल दे बी नीडिंग वाटर. सो यू हैव टू कलेक्ट डेटा, गैदरिंग डेटा, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लो, यूज टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल, गैदर ऑल द डेटा ऑफ मॉनसूनस एंड हाउ द रेन साइकिल वॉज यू नो एफेक्टेड इन द पास्ट 10 to 20 ईयर्स. Make an artificial intelligence and you can find out the details. So, यहाँ पे technology का बहुत बढ़िया आप use कर सकते हो. ठीक है, ताकि कितना inflow हुआ, कितना outflow हुआ, cropping में, agriculture में कितना आपने use किया, dams में किस तरीके से पानी रोका, electricity का क्या उपयोग किया. So, you can find out everything and you can do a very nice settlement. Right? So, we expect that everything will be, settled in this entire issue. Now, the CWMA is expected to meet once every 10 days during the monsoon months. अभी मॉनसून, अर्ली मॉनसून हमें इस बार मिला है एंड एवरीथिंग इज़ गुड विथ रिस्पेक्ट टू मॉनसून. तो यहाँ पे फिलहाल हर 10 दिन में मॉनसून महीने में ये मिलेगी. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है दैट, इसीलिए
if everything is fine and if the water is released, then the CWMA may not face any major problem in overseeing the release of water in Tamil Nadu. Abhi kyun nahi dikhega? Abhi isliye nahi dikhega kyunki abhi to monsoon chal raha hai. So Karnataka is having whatever they require. Kaun sa monsoon chal raha hai abhi? Southwest monsoon. Northeast monsoon ho sakta hai aur southwest monsoon ho sakta hai. The states of northeast get both the monsoons, northwest, northeast as well as southwest monsoon. अभी जो monsoon आपका इधर चल रहा है वो southwest monsoon चल रहा है, जिसके वजह से ये बारिश चल रहा है. ठीक है, summers के time पे क्या चलता है? southwest monsoon चलता है. और winter में जो आपको बारिश मिलता है, that is because of the northeast monsoon. winds जाते हुए भी एक बार बारिश होता है उधर, आते हुए भी एक बार बारिश होता है उधर. साथ ही साथ northeast monsoon के वजह से तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर बाढ़ भी आ सकता है. Okay, so this is how you understand the entire scenario, and now let's see that kya iska output ho sakta hai. The provisions of the Interstate River Water Dispute Act. Interstate River Water Dispute Act kab ka hai? 1956 ka ye aapka act hai. Baki ka jo hai wo humne yahan pe in short isko karke rakha hai. So isko you can go through once. I hope baki logo ko yahan pe overview samajh mein aa gaya hoga. Theek hai, let us come to the next. Okay, fine. So let us come to the next page, and you can see this is also the continuation of the same article. अब चलते हैं हमारे next editorial के पास. 10-10 दिन के meeting के बाद हमें पता लग जाएगा कि whether they approach the court और monsoon सही चल रहा है तो चुपचाप से पानी निकाल दो, है ना? So that will sort out the problem for the time being. Let's come to the next editorial. अच्छा, यहाँ पे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के बारे में थोड़ा सा हमने रखा है, उसको एक बार देख लेते हैं. द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इस एक्ट के बारे में है. ये एक्ट कब का है? 1956 का है. दिस इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमने इसको यहाँ पे बनाया. अब अगर आप ध्यान देंगे तो 1956 को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, ये भी आपका हुआ था 1956 में, जिसके तहत सबसे पहला स्टेट जिसे अलग किया गया था वो था आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, वहाँ से हमने सबसे पहला जिसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया था 1956 को, दैट स्टेट वॉज योर आंध्र प्रदेश, राइट? सो नाउ टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट, अब स्टेट्स सब अलग अलग हैं तो उनके बीच में वाटर डिस्प्यूट भी होगा सभी स्टेट्स के बेसिस में. इफ़ यू आर प्लानिंग टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यू ऑल्सो नीड अ डिपार्टमेंट दैट विल सॉर्ट आउट द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स. तो इसीलिए हमने बनाया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट योर, यहाँ पे कबीर जी के बारे में ये है. और इस यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है उनका जब आपका 150th एनिवर्सरी था इन 2011, सेकेंड पैराग्राफ में ये है, अगर हम लोग हाईलाइट कर सके वहाँ से, चलिए इसको हम न्यूज़पेपर में हाईलाइट कर देते हैं, हम कंप्यूटर जी भी हाईलाइट कर सकते हैं. सेकेंड पैराग्राफ में ये आपका बेसिकली है. सो बात ये कहा जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के केस में क्या हुआ था, दैट इन हिज 150th एनिवर्सरी इन 2011, सो इन हिज 150th एनिवर्सरी ऑफ 2011, इन द 100th एनिवर्सरी इन 2013 ऑफ हिज विनिंग द नोबेल प्राइज. तो दोनों में हमने यहाँ पे जब उनका बर्थ एनिवर्सरी, उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी और उनका 100th एनिवर्सरी नोबेल प्राइज़ मिलने का, मतलब 100 साल हो गया उनको नोबेल प्राइज़ मिले, दोनों को हमने यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे हमने उसको सेलिब्रेट किया था. बट नाउ यू सी, यहाँ पे जब कबीर जी का सेलिब्रेशन का बात आया तो यहाँ इतने ज़ोर शोरों से सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ये यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा गया है. एज ए हिस्टोरिक फैक्ट, वी डू नॉट नो वेदर कबीर डिड लिव till 1518, but having no use of his heuristic date. मतलब वैसे तो हमें पता नहीं है कि वो सही में वहाँ तक जिंदा रहे थे कि नहीं 1518 तक, but हमारे पास ये है कि हम कम से कम उनके नाम पे कोई स्कॉलरशिप या फिर उनके नाम पे इस सेलिब्रेशन को और ज़्यादा आगे तक और ज़्यादा ज़ोर शोर से हम उसको मना सकते हैं. इफ़ नॉट दिस वन देन एटलीस्ट 600th एनिवर्सरी, तो कम से कम बर्थ एनिवर्सरी, 600th बर्थ एनिवर्सरी हम कम से कम सही से यहाँ पे सेलिब्रेट कर ले जाए.
नाउ अबाउट द डेप्थ ऑफ द स्टडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय 2018 द रेंज ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ ऑन कबीर हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली. 2018 तक काफ़ी ज़्यादा हम ये स्कॉलरशिप्स को देने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमेजेस को हम अच्छी तरीके से उनका बनाने लग गए हैं. तो ये जो सेलिब्रेशन था उसको भी और ज़्यादा ज़ोरों शोरों से महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, हर जगह इसको बनाया जाना चाहिए था. नाउ लेट अस कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबीर जी का डिस्पाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलरिटी, काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर रहे हैं, बट स्टिल उनके 500 डेथ एनिवर्सरी में इतना ज़्यादा ऑफ द पोएट सीम्स टू हैव बीन टेकन इन प्लेस इन इंडिया, भारत में हुआ था, बट इतना ज़्यादा उसको मेजर सेलिब्रेशन उसमें नहीं हुआ. नो मेजर सेलिब्रेशन टू कोमेमोरेट द 500th डेथ एनिवर्सरी. तो एटलीस्ट 600th बर्थ एनिवर्सरी को तो हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट रविंद्रनाथ जी के जो है सेलिब्रेशन हमने अच्छे से किया था. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर, द बुक इमेजेस ऑफ कबीर. आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करना है कि इमेजेस ऑफ कबीर इस बुक के राइटर कौन हैं. हु इज द राइटर ऑफ द बुक इमेजेस ऑफ कबीर, दैट यू ऑल हैव टू कमेंट एंड आंसर द सेम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट में, नेक्स्ट पेज में बताया गया है कि कबीर जी के काफ़ी सारे एज अ पोएट उनको रिकॉग्निशन मिला था. सेवरल एकेडमिक बॉडीज अब्रॉड जो इंडिया के बाहर है, इवन दे आर पेइंग ट्रिब्यूट टू कबीर जी. सो व्हाई नॉट इन इंडिया, इंडिया में हमने इतना ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया उनके 500th डेथ एनिवर्सरी में. ठीक है, एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम व्हेन कबीर जी एग्जिस्टेड इन महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो देर वेर लॉट्स ऑफ पोएट्स जो कि उभर के सामने आए थे, जो कि बाहर आए थे. ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस हुए थे. ऑल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट सम अदर पोएट्स. अगर हम सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में हाईलाइट कर सके नाम को, श्याम सुंदर दास, वी में एक्नॉलेज सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में अगर हम हाईलाइट कर सके, श्याम सुंदर दास के बारे में बात किया गया है. माता प्रसाद गुप्ता के बारे में बात किया गया है जो कि 20th सेंचुरी के बीच में उभर के आए थे. साथ ही साथ एज यू नो चाइना से काफ़ी पहले से बुद्धिस्ट पीरियड से यहाँ पे हुएन सांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे बाहर से बुद्धिस्ट मॉन्ग्स आए थे. सिमिलरली द फॉरेनर्स आर स्टिल इंटरेस्टेड इन डिस्कशन रिगार्डिंग कबीर एंड दिस काइंड ऑफ उनके पोएट्स, उनके पोएम्स पे, उनके पोएम्स के ट्रांसलेटेड वर्जन में अभी भी फॉरेनर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, नेक्स्ट पेज पे एक बार आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे बात किया गया है कि एक सुसाइड बॉम्ब के वजह से 19 लोगों का डेथ हो गया है. अफगानिस्तान के अंदर कौन से शहर में हुआ है? जलालाबाद में. एक सुसाइड बॉम्ब से जलालाबाद में 19 लोगों का डेथ हुआ है. डेथ में मारे जाने वाले लोग ज़्यादातर या तो सिख है या तो हिंदू है. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर सिख और हिंदू लोग वहाँ पे ज़्यादातर मारे जा रहे हैं, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू कैन रिलेट द सेम इशू कि क्या वहाँ पे रहने वाले सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट लोगों को, जैन लोगों को, शुड दे गेट अ चांस टू कम टू इंडिया? बिकॉज आसपास जितने भी देश है, यहाँ पे ओनली इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट. द रेस्ट ऑफ द नेबर्स दे हैव अ स्टेट रिलीजन, बट इंडिया डू नॉट हैव अ स्टेट रिलीजन. सो वी आर अ सेक्युलर नेशन, वी विल एन्श्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल. सो दिस इज द डिबेट. इस एडिटोरियल से आप बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हो द डिबेट ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016. सभी लोग एक बार बताइए, इतने दिन हमने उसको डिस्कस भी किया है, आर यू एबल टू रिलेट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 एंड व्हाट इज हैपनिंग देयर? इसीलिए कहते हैं कि लेट देम कम एंड लेट अस अमेंड द सेम. राइट, नाउ द रेस्ट ऑफ द एंटायर इशू इज दैट ठीक है, बॉम्बिंग हुआ, ओनली सिख कैंडिडेट्स रनिंग फॉर इलेक्शन, ये सब चीज़ें वहाँ पे हुआ, बट द मेन दिक्कत दैट इज अराइजिंग जो IS का थ्रेट है, IS सेटअप इन अफगान जो है यहाँ पे, सिंस अफगानिस्तान गवर्नमेंट इज बिजी टैकलिंग द इशू ऑफ तालिबान एज वेल. तो एक तरफ अफगानिस्तान तालिबान का जो स्ट्रेन रिलेशनशिप है इसका फ़ायदा उठा ले गया है कौन? IS इसका फ़ायदा उठा ले गया है. ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया. एज अ रिजल्ट ऑफ विच US ने यहाँ पे इंटरवीन किया है एंड US इवन यूज द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, द मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल बॉम्ब इन इट्स आर्सेनल अगेंस्ट द IS इन नानगारहार. तो नानगारहार जो है लोकेशन, यहाँ पे IS का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो US ने यहाँ पे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को यूज़ किया. ठीक है, तो US IS एक ये चल रहा है,
यूएस तालिबान एक ये चल रहा है और अफगानिस्तान तालिबान एक तरफ ये चल रहा है। तो यहाँ पे चारों तरफ स्क्वायर में आपको पावर्स देखने को मिलेगा। पावर्स अगर ज़्यादा लोग के हाथ में तो क्लैशेस तो होंगे। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे एज आई आस्क्ड यू ऑलरेडी क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है पहले से, डू लेट अस नो द नेम ऑफ द 5-time वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम हु, उनके बारे में आप बताइए, हु हैड येट रिजाइन फ्रॉम द डेड टू स्टेक क्लेम टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट। तो उनका नाम आपको बताना है कि वो कौन है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि विश्वनाथ आनंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपको आंसर करना है कि विश्वनाथ आनंद जी कौन से स्पोर्ट्स को खेलते हैं, कौन से स्पोर्ट्स से उनका रिलेशन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इनफॉर्मल कल्चर है। वहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि फर्स्ट नाम से लोगों को बुलाया जाता है, जो कि इट माइट बी अ सरप्राइज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरनेम से, टाइटल से बुलाया जाता है, विच इज अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल इन केस ऑफ इंडिया एज वेल, क्योंकि टाइटल एक आइडिया देता है कि आपका कास्ट क्या है। बहुत लोग आपसे ये डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि आपका कास्ट क्या है, आपसे ये पूछेंगे कि आपका उपाधि क्या है, आपका सरनेम क्या है, बिकॉज दे विल रिलेट द रेस्ट इन देयर माइंड कि क्या मतलब कास्ट हो सकता है, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग जो यूएस, जो आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है और जो इंडिया में होता है। हालांकि इंडिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ाई करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपका ये इनफॉर्मल कल्चर प्रिवेल होता है, विच इज़ नॉट लाइक द सेम इन केस ऑफ इंडिया। ऑल्सो द राइटर इज टॉकिंग अबाउट कि सिस्टम जो है पेडागॉजी, जितने लोगों ने बीएड किया होगा पेडागॉजी के बारे में पता होगा, एक सब्जेक्ट भी आपका वहाँ पे होता है। दे आर सेइंग कि पहले तो आपका परसेंटेज मार्क्स होता है, फिर नाउ देयर आर यूनिट्स, कितने यूनिट्स हैं, क्रेडिट्स कितने हैं, इलेक्टिव्स कितने हैं, शेल यूनिट्स, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग अप वहाँ के ग्रेडिंग सिस्टम में। जबकि हमारे यहाँ क्या है, बताओ परसेंटेज कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा CGPA, इसके आगे नहीं, बट अदरवाइज देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स इन द स्टेट्स और द करिकुलम जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रिवेल करता है। Let us come to the last slide, and the last one here is what consumes your mind controls your life. मतलब आपके दिमाग में कौन कौन से thought है वो control करता है कि आपका जिंदगी किस तरीके से होगा। The brain has a very limited space, और इस limited space में हम बहुत ही limited information रख सकते हैं।